नमस्कार दोस्तों, निषादराज दोस्तों, आज मैं आपको इम्यूनिटी के बारे में बताता हूँ। हम लोगों को इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है, कुछ मैंने तथ्य इकट्ठे करे हैं और वो आप इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक हैं। देखिए, खाने के साथ सलाद लें और अंकुरित अन्न भी लें। सुबह को सुबह शाम खाना खाने के साथ सलाद और आपके हल्का खाना लें, अंकुरित अन्न लें सुबह को, जैसे आपके काला चना है, मूंग है और मूंगफली है। इनको लेने से पेट सही रहता है और आपके शरीर में ताकत बढ़ती है। ये तो बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, तला भुना न लें। अच्छा, नंबर 3, कब्ज ना होने दें। लेटरिन खुल के नहीं आती है तो सोते समय त्रिफला वगैरह लेते रहें, जिससे पेट साफ़ रहे और पेट साफ रहने से ही लाभ है। नंबर 4, योगासन। सुबह को योग करें, प्राणायाम करें और कुछ समझ में ना आए तो हमारा चैनल है आपके बाल मुकुंद ग्रुप्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, इस पर आपके योग की वीडियो हैं, उसमें भी देख कर सकते हैं। और कम से कम 102 किलोमीटर पैदल जरूर चलें। सुबह की हवा सब रोगों की दवा, पुरानी कहावत है और इसी से हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। और नंबर 5 है, हफ्ते में संपूर्ण शरीर की सरसों के तेल से मालिश करें, अंत वस्त्र पहनकर कम से कम आधे घंटे मालिश करें। इससे भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, शारीरिक ताकत बढ़ती है और जो अंग उपांगों में टूट फूट थकन है वो जरूर दूर होती है। इससे इम्यूनिटी पावर में काफ़ी राहत मिलती है। अच्छा, नंबर 6, आपके रात्रि सोते समय दूध के साथ अश्वगंधा प्लस शतावर, यानी 50 ग्राम अश्वगंधा ले लें, 50 ग्राम शतावर ले लें, इसका चूर्ण बना कर रख लें। एक चम्मच सुबह या सोते समय या दोनों टाइम भी दूध से ले सकते हैं। इससे विशेष प्रकार की ताकत मिलती है और इम्यूनिटी बढ़ती है। प्राणायाम अवश्य करें, क्योंकि आजकल ऑक्सीजन की कमी हो रही है और ऑक्सीजन की जो कमी के कारण प्राणवायु कमज़ोर हो जाती है। प्राणवायु प्राणायाम से ही बढ़ती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय निशा।